धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। ये देखिए, यह आधुनिक समाजवाद का एक चेहरा भी है, क्योंकि जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें पीछे आप देख सकते हैं अखिलेश यादव की फोटो है, साथ ही मायावती की और पीठ में अम्बेडकर का। संविधान निर्माता के जयंती पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बार बालाओं ने जमकर ठुमकी लगाई। सरकारों से जो कर पाए बहुत सारे वो लोग जिनके हाथों से तो भीमराव रामजी अम्बेडकर की 127वीं जयंती। अभी तो जो काम चल रहा है बिना सरकारों से जो कर पाए बहुत सारे वो लोग जिनके हाथों से तो भीमराव रामजी अम्बेडकर की 127वीं जयंती। इस जयंती के अवसर पर कुछ इस तरह से आयोजन किया गया था, लोग अपने विचार प्रस्तुत करते, संगोष्ठी होती तो समझा जा सकता था, लेकिन ये क्या ये तरीका अख्तियार किया जाना ठीक है? महापुरुष के जयंती के अवसर पर बार बालाओं से ढुमके लगवाए जाते हैं, क्या ये भी एक तरह का प्रायोजन है नेताओं का कि भीड़ इकट्ठी की जाए कैसे भी करके? दरअसल ये और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील राघव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुनील, अम्बेडकर को कुछ लोग केवल एक व्यक्ति मानते हैं जबकि वो अपने आप में विचार, लेकिन जब उस विचार पर इस तरह के ठुमके भारी पड़ जाए तो शायद इसी को कहते हैं आधुनिकता। जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, रजपुरा थाने का केसरपुर गांव है जहाँ पर सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव उसका माल्यार्पण करने पहुंचे थे, तो वहीं पर जो आयोजक है उन लोगों ने वहां पर नाचने वाली बालाओं का इंतजाम किया गया था और माल्यार्पण के बाद तुरंत भक्ति ठुमके शिवाजी चालू हो गए। जब इस बारे में सांसद से बात करने की कोशिश की तो वो बाइक देने से भी बचे और कैमरे से नजर बचाते हुए गाड़ी में बैठ करके चले गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सुनील राघव। और गाजियाबाद